राजनांदगांव में नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों ने आखिरकार कांग्रेस की हेमा देशमुख को महापौर चुन लिया है। हेमा देशमुख ने भाजपा की शोभा सोनी को पराजित किया। वहीं सभापति के रूप में कांग्रेस के हरि नारायण धकेता का चयन किया गया है। दरअसल निगम में संख्या के हिसाब से कांग्रेस के 22, भाजपा के 21 और निर्दलीय पार्षदों की संख्या 8 है। इस तरह से 51 पार्षदों वाले निगम में बहुमत के लिए 26 पार्षदों की जरूरत थी। हेमा देशमुख को 31 मत मिले हैं, वहीं भाजपा से शोभा सोनी को 20 मत मिले। इस तरह से कांग्रेस की हेमा देशमुख ने भाजपा की शोभा सोनी को 11 मतों से हराया। वहीं महापौर चुनाव के पहले नवनिर्वाचित पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री गिरीश देवांगन और कांग्रेस नेत्री करुणा शुक्ला मौजूद थी। और हमारे प्रभारी मोहम्मद अकबर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके प्रयास से, जिनके परिश्रम से उन्होंने एक छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता को उनके संघर्षों के आधार पर ये पद पर दिया। इसके लिए जी नगर निगम में मेरा पहली प्राथमिकता शहर का विकास करेगा। शहर के विकास में मुख्य मुद्दे होते हैं पर्यावरण के। हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण अगर शुद्ध रहे, ऑक्सीजन अच्छी मात्रा पर रहे और धूल से हम मुक्त हो, तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम पर्यावरण पर ध्यान दें और ऑक्सीजन एरिया तैयार करें और पेड़ लगाएं। दूसरा हमारा बहुत ही मुख्य मुद्दा है, हमारा है सीवेज सिस्टम, रेन वाटर सिस्टम है। हेमा देशमुख ने बताया जो मुख्य समस्या है यहाँ शहर में, जल संकट को दूर करना, साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करना और जो मुख्य है कि विद्युत व्यवस्था जो लचर है, भाजपा शासन काल में जो अभी लचर व्यवस्था थी विद्युत, उसको सबसे पहले प्राथमिकता से पूरी।